सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आज हम पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और चैलेंजेस क्या है। पहले हम हिस्ट्री की ओर देखेंगे। 1960 से पहले अगर हम देखेंगे तो हमारा ये पोल्ट्री मुर्गी पालन था, ये सिर्फ एक देसी मुर्गी पालन था। जो भी हमारे किसान भाई थे वो घर में ही 10, 20 या 30 मुर्गियां पालते थे और उसी से गुजारा करते थे। जो भी उनको बच जाता था वो बेच देते थे। लेकिन आज अगर हम अपनी पोल्ट्री इंडस्ट्री की ओर देखेंगे तो हम आज विश्व में तीसरे स्थान पर हैं इन एग प्रोडक्शन और पाँचवें स्थान पर है इन ब्रॉयलर प्रोडक्शन। इसमें बहुत गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा योगदान किया। आज हम सिर्फ अपने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है बल्कि हम एक्सपोर्ट करते हैं हम पोल्ट्री प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़, इनमें मलेशिया, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर और यूएई आता है। अगर हम पोल्ट्री मीट की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट यही करता है। दिस पोल्ट्री मीट कंट्रीब्यूट्स अबाउट 46% टू द टोटल मीट कंज्यूम्ड बाय द इंडियंस। इतना ज़्यादा क्यों ये कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि कोई भी रिलीजन इसके खिलाफ नहीं है। एवरी रिलीजन प्रेफर्स दिस मीट इन देयर डाइट। दूसरा, ये बहुत ही सस्ता है एज़ कम्पेयर टू द अदर मीट्स लाइक मटन, चिकन या बीफ। अगर हम पकाने की बात करेंगे तो इट इज़ वेरी ईजी टू कुक पोल्ट्री मीट इंस्टेड ऑफ अदर मीट्स। और ये भी देखा गया है कि पोल्ट्री मीट को हम वाइट मीट कहते हैं क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द अदर मीट्स। अगर हम अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, भारत में क्लाइमेट बहुत फेवरेबल है टूवर्ड्स द पोल्ट्री रेयरिंग। इसका मतलब जो भी खर्चा आता है इन द हाउसिंग ऑफ द पोल्ट्री हाउसेज वो बहुत ही कम आएगा। अगर हम लेबर की बात करेंगे तो यहाँ पे लेबर बहुत सस्ता है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़। अगर हम फीड की बात करेंगे, जो भी फीड हमें इन फार्मुलेशन ऑफ पोल्ट्री फीड लगती है वो लगभग हर एक इन्ग्रीडियंट हमें यहाँ पर उगता है। अगर हम इस भारत की पॉपुलेशन की बात करेंगे, अबाउट 50% ऑफ पॉपुलेशन इज़ लेस देन 20 ईयर एज। इसका मतलब, और ये भी देखा गया है कि बहुत से पॉपुलेशन अब कन्वर्ट होते हैं फ्रॉम वेजिटेरियन टू नॉन वेज। इसका मतलब डिमांड ऑफ द पोल्ट्री प्रोडक्ट्स विल इंक्रीज डे बाई डे इन आवर कंट्री। अब हम चैलेंजेस की बात करेंगे। अगर हम पोल्ट्री फीड की कॉस्ट की जब बात करेंगे, इट इज़ वेरी इंक्रीजिंग डे बाई डे और इमर्जिंग, देयर इज़ अ डेंजर ऑफ इमर्जिंग एंड री इमर्जिंग डिजीजेज इन आवर कंट्री। देयर इज़ पोअर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। और ये भी देखा गया है, देयर इज़ लैक ऑफ कोल्ड चेन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ पावर सप्लाई विच मेक्स डिफिकल्ट टू मेक फ्रोजन और चिल्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। एट लास्ट आई वॉन्ट से वन थिंग, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ईट एग एवरी डे, यू विल बी हेल्दी एंड यू विल बी वेल्दी ऑल्सो।